आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के एमपी यूपी सीमा पर स्थित धान खरीदी केंद्र से धान चोरी का मामला प्रकाश में आया है। यहां अज्ञात चोरों ने खरीदी केंद्र परिसर में स्टॉक की गई धान की रैक से 40 बोरी धान पार कर दी है। घटना की जानकारी होने पर खरीदी केंद्र के प्रभारी ने इसकी सूचना डायल 100 पुलिस को दी, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा है। बताया गया कि यहां से देर रात अज्ञात चोरों ने धान की 40 बोरियां पार कर दी हैं। दरअसल मामला चाकघाट थाना क्षेत्र स्थित मागी धान खरीदी केंद्र का है। बता दें कि यह धान खरीदी केंद्र एमपी और यूपी की सीमा पर है, जहां धान की अवैध खेप यूपी से लाकर बिक्री किए जाने के बाद अब धान की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। चोरों ने खरीदी केंद्र से 40 बोरी धान पार कर दी है, जिसकी शिकायत खरीदी केंद्र के प्रभारी ने चाकघाट थाने में की है। माना जा रहा है कि चोरों के पकड़े जाने के बाद धान चोरी का बड़ा मामला उजागर हो सकता है। फिलहाल पुलिस चोरों की पड़ताल कर रही है।